हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कुक जीत और फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन का बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बिल्कुल खांडवी जैसा होता है और ये झटपट बन जाता है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत कर देते। इससे पहले आप वीडियो में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम बेसन। एक बाउल या एक भगोने के अंदर हम ऐड कर लेंगे। 200 ग्राम बेसन है, छान के मैंने रेडी करके रख दिया था। अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली एंड जिंजर पेस्ट, मतलब हरी मिर्च एंड अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था। 4 हरी मिर्च एंड अदरक का टुकड़ा, इसको अच्छे से दरदरा कूट लिया था, वो ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। स्वाद के अनुसार मैंने नमक ऐड किया है। अब बारी आती है बटर मिल्क की, छाछ की। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था ना, एकदम बेसन मैंने दबा के लिया था 200 ग्राम कटोरी में, तो उसी कटोरी से हम 3 गुना ऐड करेंगे बटर मिल्क, मतलब छाछ। तो थोड़ा थोड़ा छाछ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर खट्टा वाला छाछ होगा तो आपका नाश्ता एकदम बढ़िया बनेगा। एक कटोरी मैंने ऐड कर ली, अभी दूसरी कटोरी में ऐड कर रही हूँ। ख़ास ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा हमें बटर मिल्क ऐड कर लेना है और मिक्स करते जाना है। अगर एक साथ बटर मिल्क ऐड कर लेंगे तो गुठलियाँ बन जाएगी, नाश्ता फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और गुठलियाँ बहुत मुश्किल से निकलेगी। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क ऐड करते जाए और घोल को रेडी करते जाए। एकदम पतला घोल हमारा रेडी होगा। तो अभी तीसरा कटोरी भी हम बटर मिल्क का ऐड कर लेंगे। आपके पास अगर बटर मिल्क नहीं है तो दही ले लीजिए और उसका 3 गुना पानी ऐड करके इसी तरीके से बटर मिल्क बना लीजिए और इसको इस तरीके से बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। देखिए इस तरीके से हम घोल रेडी करेंगे। एकदम पतला घोल होना चाहिए, जितना बेसन है उसे 3 गुना हमेशा बटर मिल्क ऐड करना चाहिए। देखिए अच्छे से घोल रेडी कर लिया है। ये सेम हम खांडवी की तरह इसका घोल रेडी किया है, जैसे हम खांडवी बनाते हैं ऐसे ही। बस खांडवी थोड़ी पतली होती है और ये नाश्ता थोड़ा सा हम खांडवी से मोटा रखेंगे। इसका जो नाश्ता होगा ना वो थोड़ा मोटा रखेंगे, क्योंकि हम इसका ढोकली बनाएंगे, ढोकली की तरह। ये अच्छे से हम इसको मीडियम गैस के ऊपर पकाएंगे बेसन को, और लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बेसन नीचे चिपक जाएगा। और बेसन को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये झटपट पक जाता है और हेल्दी भी होता है बेसन हमारी हेल्थ के लिए। आप ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा। कई बार आप खांडवी तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन खांडवी बनाते टाइम आपकी खांडवी फट जाती है या तो फिर आपके हाथ से खांडवी नहीं बनती है, तो आप इस तरीके का खांडवी का डुप्लीकेट आप बना के खा सकते हो। और खांडवी से भी बहुत बढ़िया लगता है ये नाश्ता, एकदम टेस्टी लगता है। तो अब हम ऐड करेंगे हल्दी। आप चाहे तो पहले भी घोल के अंदर ही ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने तब नहीं ऐड की थी, भूल गई थी मैं। तो अभी मैंने ऐड कर लिया है हल्दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। देखिए अभी लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर नीचे चिपक जाएगा। बेसन नीचे चिपकना नहीं चाहिए, और साइड में भी अगर चिपक जाता है तो इस तरीके से हमें निकाल लेना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। ख़ास ध्यान रखना है कि इसको मीडियम गैस के ऊपर लगातार चलाते रहे। देखिए इस तरीके से, और बीच बीच में मैं आपको चेक करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसको चेक कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें इसको लगातार चलाते रहना है। तो मैंने इसके अंदर घी या ऑयल कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप बिना करे ऐड। बाद में हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। तो देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है हमारा बैटर। देखिए लगातार चलाते रहेंगे, कढ़ाई से अपने आप अलग होने लगेगा। देखिए इस तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि बटर मिल्क ऐड किया है ना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है और इसकी खुशबू जो है बहुत ही लाजवाब आ रही है। जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया था ना, उससे इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। देखिए इस तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे। और अब हम एक कटोरी के ऊपर इस तरीके से चेक करेंगे अगर रेडी हुआ है कि नहीं, हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। देखिए
और ठंडा करेंगे, बाद में चेक कर लेंगे। तब तक हम इसको चलाएंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। लगातार चलाते रहना है एकदम स्लो गैस के ऊपर। वैसे इस रेसिपी को बनाने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। मेरी बेटी का फेवरेट है, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी हमारी खांडवी का नाश्ता रेडी नहीं हुआ है अभी बेसन का, तो वापस हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। बस खांडवी की जैसे ही ये बनता है, लेकिन खांडवी पतली होती है और ये थोड़ा मोटा होता है। ये मैंने इसीलिए बनाया कि आप लोग अगर खांडवी बनाते हो, बहुत बार नहीं बनती आपकी खांडवी, तो आप इस तरीके का नाश्ता भी बना के खा सकते हो। ऐसा नहीं समझना है कि हमारी खांडवी अभी वेस्ट हो गई है, अभी नहीं होगी, इसे हमने फेंक देंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। देखिए इसका हम नाश्ता बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाएंगे। देखिए अभी रेडी नहीं हुआ है, ये अभी भी चिपक रहा है कटोरी के नीचे, तो ये अभी रेडी नहीं हुआ है। वापस हम इसको चलाते रहेंगे। बेसन जब रेडी होता है तो अपने आप निकल जाता है, साइड छोड़ देता है, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। बस ये अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तब हम चेक करेंगे। देखिए अभी आसानी से निकल रहा है, मतलब ये रेडी हो चुका है हमारा। देखिए आसानी से बिल्कुल भी नहीं चिपका है, आसानी से कटोरी से अलग हो गया है। तो अब हम इसको इस तरीके से, देखिए थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखेंगे, खांडवी का हम पतला करते ना, लेकिन खांडवी से थोड़ा ज़्यादा पका लिया है हमने इसको, देखिए है ना। अब हम इसको इस तरीके से गरम गरम ही इसको कर लेना है। और आप अगर खांडवी बना रहे हो तो गरम गरम का ही फोल्ड कर लेना है इसको, नहीं तो फिर आपकी खांडवी जो है फोल्ड करते टाइम फट जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा हुआ है, क्योंकि खांडवी बनाते तो पतला रखते, लेकिन ये ढोकली थोड़ी मोटी ही रखेंगे हम। और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, बड़ा छोटा जैसे भी पीसेस आप करना चाहते हो कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हम इसका कट लगाते जाएंगे और बेहद स्वादिष्ट नाश्ता तैयार होता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको खांडवी की तरह ही इसको फोल्ड करते जाएंगे, लेकिन ये फटेगा क्योंकि खांडवी का पतला रखते हैं और ये हमने थोड़ा मोटा ही रख दिया है इसका बैटर। देखिए इस तरीके से जब हमने इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाया ना, तो थोड़ा सा मोटा ही हमने रखा था। इस तरीके से हम खांडवी की तरह ही फोल्ड करते जाएंगे, लेकिन हमने मोटा रखा था ना, इसकी वजह से खांडवी की तरह एकदम रोल नहीं बनेगा। लेकिन हम इस तरीके से स्क्वायर जैसा ही पीसेस निकल रहा है देखिए, और इसको बाद में हम अलग अलग कर देंगे, जॉइन नहीं रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम रखते जाएंगे और अलग अलग पीसेस कर देंगे, ताकि जब तड़का लगाएंगे ना, तो सबके ऊपर तड़का आएगा और टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो वही कढ़ाई मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच रिफाइन ऑयल, कुकिंग ऑयल। आपके घर में आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो ऐड कर सकते हो। तो 3 चम्मच मैंने रिफाइन ऑयल ऐड किया है। इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, जैसे हम खांडवी के ऊपर तड़का लगाते ना, ऐसे ही इसके ऊपर भी लगा लेना है। तो हम 2 चम्मच ऐड करेंगे सरसों, राई और 3 हरी मिर्च मैंने ली थी, ग्रीन चिली, और 10 से 15 मैंने करी लिप्स लिया था, करी पत्ता, उसको भी अच्छे से पका लिया है। और ये सारा अच्छे से पक चुका था तड़का, तो इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने सारे पीसेस जो थे उसको मैंने अलग अलग कर लिए है, बेसन के नाश्ते का पीसेस मैंने अलग अलग कर लिया है, और ऊपर हम लगाएंगे तड़का। बेहद स्वादिष्ट लगता है ये नाश्ता, आप ज़रूर बनाइएगा और सबको घर में खिलाइएगा। आपको अगर खांडवी बनानी नहीं आती है तो ये नाश्ता आप ज़रूर बनाइएगा, सबको खिलाइएगा, एकदम खांडवी से भी परफेक्ट बनता है, टेस्टी लगता है और लाजवाब लगता है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये नाश्ता आपको कैसा लगा। देखिए है ना फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।